एवरीवन, लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं बॉलीवुड राउंडअप। और कोरोना के इस दौर के बीच मैं ये उम्मीद करते हुए कि आप सभी सेफ हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं, बताने जा रही हूँ आज सबसे ज्यादा चर्चा में रही बी टाउन की टॉप 5 खबरें। एक्टर और जाने माने यूट्यूबर राहुल वोहरा अब इस दुनिया में नहीं है। कोरोना संक्रमित होने के बाद ठीक से इलाज ना मिलने के कारण उनकी मौत हो गई। वो जीना चाहते थे और आखिरी वक्त तक जिंदगी की भीख मांगते रहे। सोशल मीडिया पर राहुल के आखिरी मैसेजेस आत्मा को झकझोर देने वाले हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें सही इलाज मिल जाता तो वो भी ठीक हो सकते थे। वहीं अब उनकी पत्नी ज्योति तिवारी ने इंस्टाग्राम पर राहुल का आखिरी वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें दिख रहा है कि ऑक्सीजन ना मिलने के कारण किस तरह उनका दम घुट रहा है। ज्योति ने सोशल मीडिया पर राहुल जैसे कई लोगों के लिए न्याय की मांग की है। उन्होंने लिखा, मेरा राहुल चला गया, ये सबको पता है, पर कैसे गया ये किसी को नहीं पता। उम्मीद करती हूँ कि मेरे पति को इंसाफ मिलेगा और एक और राहुल इस दुनिया से नहीं जाना चाहिए। इसकी बहुत कीमत है आज के टाइम पे, बिना इसके मरीज ना छटपटा जाता है, बिना इसके। कुछ नहीं आ रहा इसमें, कुछ भी नहीं आ रहा है इसमें। अटेंडेंट आई थी, मैंने उसको बोला एक ज़रा सा फॉल्ट उसको समझ में नहीं आ रहा है। वो क्या करते, वहाँ एक बॉटल होती है, उस बॉटल को फुल भर के उसके फ्लो को बढ़ा रहे हैं, इसमें पानी आ जा रहा है, वो करके चले जाते हैं। फिर तो उनको आवाज़ें लगाओ, आते ही नहीं है, एक एक डेढ़ घंटे बाद आते हैं। तब तक मैनेज करो, पानी छिड़को, इसको लगाओ, फिर पानी भर जाएगा, फिर छिड़को, फिर इसको लगाओ। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनको पानी की बोतल में पानी कम रखना है, फ्लो बढ़ाना है। और अगर किसी को बोल दो ये सुनो प्लीज़ ये कर दो, कहते हैं एक मिनट में आ रहे हैं, आ ही नहीं रहे। बताओ मैं इसका ये करके क्या करूँ मैं। कोरोना का कहर बॉलीवुड जगत पर भी देखने को मिल रहा है। बीते दिनों एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी का परिवार कोविड की चपेट में आ गया था। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी थी। शिल्पा की बेटी समीशा, बेटा वियान, पति राज कुंद्रा और सास ससुर इस वायरस की चपेट में आ गए थे। इसके बाद सभी आइसोलेशन में हैं। राहत की बात यह है कि अभिनेत्री का टेस्ट नेगेटिव आया था। शिल्पा ऐसे मुश्किल वक्त में अपने परिवार का खास ख्याल रख रही हैं, जिसके बारे में उन्होंने फैंस को भी बताया है और सलाह दी है कि वो इस महामारी से कैसे निपटे। शिल्पा ने कहा कि सबसे पहले तो खुद को समय देना जरूरी है और सोशल मीडिया से दूर रहें। उन्होंने कहा, मैं समझ सकती हूं कि ये लड़ाई हम में से किसी के लिए भी आसान नहीं है। कुछ समय के लिए छुट्टी लें, अपने आप को मानसिक रूप से ऐसी स्थिति में रखें जहां आप अपने बारे में सोच सकें और दूसरों की मदद करने के लिए फिट रहें। अपने आप को मजबूत करने के लिए जो हो सकता है वो करें, मजबूत रहें और सुरक्षित रहें। कोरोना से इस जंग के दौरान फिल्म मेकर और एक्टर फरहान अख्तर एक एनजीओ होप फॉर वेलफेयर ट्रस्ट के साथ काम कर रहे हैं, जिसके जरिए कोरोना से जूझ रहे मरीजों और उनकी देखभाल में जुटे लोगों को खाना खिलाने का काम किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि फरहान द्वारा दी गई आर्थिक मदद की वजह से न केवल मरीजों को खाना खिलाया जा रहा है, बल्कि वाराणसी के हरिश्चंद और मणिकर्णिका घाट पर काम करने वाले लोगों की भी मदद की जा रही है। इस एनजीओ की टीम के 8 लोग शहर में एक दिन में 1000 थालियों में खाना बांट रहे हैं। हर थाली में चावल, दाल, रोटी, सब्जी, सलाद और बिस्किट होते हैं। जाने माने सिंगर सोनू निगम अक्सर ही ट्रोल्स के निशाने पर आ जाते हैं। पिछले हफ्ते सोनू निगम रक्तदान के लिए पहुंचे थे। उन्होंने इस दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जिसमें वो मीडिया से बात कर रहे हैं। इस वीडियो में उन्होंने मास्क नहीं लगाया है, बस फिर क्या था। ये वीडियो देखने के बाद यूजर्स उन्हें ट्रोल करने लगे। कई लोगों ने उन्हें मास्क पहनने की सलाह दी तो इस पर सोनू निगम नाराज हो गए। उन्होंने ट्रोल्स को जवाब देते हुए उनको गालियां दे डाली। उन्होंने अपने कमेंट में लिखा कि जो यहां आइंस्टाइन बनकर आए हैं
उनको मेरा जवाब, वो इसी भाषा के हकदार हैं। रक्तदान के वक्त मास्क पहनना मना है, कितना गिरोगे आप लोग। बिग बॉस सीजन 14 की जानी मानी कंटेस्टेंट निकिता अम्बोली अब स्टंट रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 में हिस्सा लेने के लिए केप टाउन पहुंच गई हैं। वहीं घर से इतनी दूर होने के बावजूद वो अपने भाई की मौत का गम भुला नहीं पा रही हैं। उनके भाई जतिन कोरोना से जंग लड़ते हुए इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। भाई की याद में निकी ने हाल ही में इंस्टाग्राम अकाउंट पर भावुक कर देने वाला पोस्ट किया है। उन्होंने इस पोस्ट में लिखा, मैं अपने भाई को बहुत याद करती हूँ, हर रात रोते रोते सो जाती हूँ। जिन लोगों को मैं जानती हूँ वो मुझसे कहते हैं कि भाई को जाने का वक्त आ गया था, मुझे खुश होना चाहिए कि अब उसे और दुख दर्द नहीं झेलना पड़ेगा, वो अब बीमार नहीं होगा। लोग कहते हैं कि मुझे मेरे भाई को चले जाने देना चाहिए, पर मेरा मन और दिमाग ये स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो ये थी आज की बॉलीवुड अपडेट्स। इसके अलावा देश विदेश की ट्रेंडिंग खबरों के लिए जुड़े रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।